हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मेरी दादी है। देखो दोस्तों, आज दादी जी जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं, तो सुनिए दादी जी। अपने बोला बुरा काम कोई नहीं किया, शैल गए अपने बोला कीते दे हूँ के पता शैल गए करने बुराई का लेखा एक पैसे ने पांच पांच पैसे। तू मेरा एक पैसा चुराया नहीं ते अगे जाइए तो पांच देने वो भी उत्थे लहोया। जे तो तू पांच पैसे चार गना तो तू भी सौ दस पैसे थोने तो वह करनी का फल है। ते तू हूँ चाड़े तो तू भी अगे मिलने मिलने ते जे तू कुसे पानी पिलाए दा गा नहीं हो तो पानी नहीं थोंदा पीने नहीं पिलाते पह लाते लोग धर्मशाला हैं इसे मुझे लाते तो बुरा काम बच्चा जिंदगी चाहिए दे बुरा काम नहीं करना अगे रस्ता साफ है। हूँ के पता असें कुछ सुट्टना इधर कुछ नहीं अपने कोला आखनी आ भाई देख देख पूरनी पूरनी का रंग चिट्टा ही है हूँ जाने वाली दिन देखो पुराना घर था इसको तोड़ के अब यहाँ पे कुछ और बना रहे हैं। ये लगा हुआ काम पिछले दो तीन दिन से लगा हुआ है पर बारिश के कारण रोक देना पड़ा था। आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मिस्त्री जी लगे हुए हैं, हार्ड वर्कर मिस्त्री जी हैं। अभी हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और बोल रहे हैं कि काम थोड़ा पूरा करके जाएंगे। बहुत पुरानी बेटी है, 1947 से पुरानी है, अभी भी अच्छी कंडीशन में है। पहले ऐसी पेटियाँ बनती थी लकड़ी की। अंदर देखो सामान रखा हुआ है संभाल के, देखो पेटी की हालत बिल्कुल सही है, एकदम अच्छी हालत में, अच्छी कंडीशन में है। पाकिस्तान साइड से लाई है। दादी जी भी मोदी के मन की बात सुनते हुए। दादी के सुना नहीं, कौन बोल रहा माता? मोदी बोल रहा मड़ा। हाँ दादी हमारी मोदी की फैन है। ठीक है देखो दादी मेरी है, देखो मेरा पार्सल बॉय, वो देखो फोन पे लगा हुआ है। जल्दी दे पार्सल, निकालो पार्सल दो भाई। ये देखो कितने पार्सल, अगले बंदे में पानी की बॉटल। ये टी शर्ट मंगाई थी, फिट है, क्वालिटी ठीक है क्वालिटी। ये देखो दोस्तों, बारिश के बाद इंद्रधनुष बना हुआ आकाश में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, आपको दिखाएंगे अपना बहुत पुराना मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर है। ये देखो जा रहा हूँ। ये देखो मौसम काफ़ी अच्छा मौसम है, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। ये देखो मौसम काफ़ी बादल छाए हुए हैं, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। बारिश पड़ रही थी आज हल्की हल्की, देखिए अभी भी हल्की हल्की लगी हुई है। ये देखो हाँ रोड बना हुआ जा रहे हैं आप मंदिर, आपको दिखाते हैं। ये देखो सामने मंदिर, अंदर जाके भी दिखाता हूँ। ये देखो तालाब, इसको फिर से बना रहे हैं, सीढ़ियाँ बन रही हैं, अभी काम लगा हुआ बंद हो गया बारिश के कारण। अभी जा रहे हैं मंदिर के अंदर, काफ़ी पुराना 200-250 साल पुराना मंदिर है, आपको दिखाते हैं। ये देखो नाग देवता जी का, ये देखो मंदिर, काफ़ी पुराना 200 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर के करता धरता सारा कुछ यही देखते हैं। अभी श्रृंगार होगा शिव शंकर भोलेनाथ का। ये देखिए इसकी दीवारें, आपको दिख रहा है काफ़ी पुराना मंदिर है। ये देखो हनुमान जी की पेंटिंग की हुई है, बजरंग बली की। ये देखो सामने कुटिया, ये भी काफ़ी पुरानी बनाई हुई है, देखो अभी तो ऐसी कुटिया देखने को नहीं मिलती। और ये देखो इसके अंदर शिव जी का, देखिए आगे खाता हूँ आपको।
ये देखिए, ये शिव शंकर भोलेनाथ का धुना है। यहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है भोलेनाथ की। ये हमारे कपिला मुनि जी की चित्र बनाया हुआ है गणपति का, गणपति जी का। ये हमारे भोलेनाथ की, भोलेनाथ का चित्र बनाया हुआ, पेंटिंग की गई है दीवार पे। ये देखिए, ये देखिए कुटिया के अंदर ये बेड लगाए हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये है मंदिर का रसोई घर। ये देखो अंदर, ये देखो चांद, ये देखो कितना पास आ गया, अभी और पास लाते हैं। ये देखिए, ये चांद है। ये हमारे बाबा जी, बताइए तो, बताइए बोलो। और साथ में भंडार ग्रह है, सामने बड़ा भंडार ग्रह है, पीछे देख बात है। चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आपको मिलते हैं कल। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, 30% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए।